गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था आपको कि अलग अलग दिखना बहुत ज़रूरी है लोगों से, उसके मैंने बताया था कि आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। देखो यार, हर कोई लाइफ में चाहता है कि लोग मुझसे प्यार करें, मुझे रिस्पॉन्स दे। कौन नहीं चाहता है कि मुझे रिस्पॉन्स ना मिले, लोग मुझसे प्यार ना करें, सब यही चाहते हैं। लेकिन क्या है कि लोग सब आदमी जो है ना, एक सामाजिक प्राणी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके कुछ 5 नियम्स हैं, 5 रूल्स हैं जिसको फॉलो करना है आपको। डोंट क्रिटिसाइज अदर पर्सन, क्योंकि भाई किसी का भी आप बुराई ना करो। ये नहीं कि अगर कोई गलती कर रहा है बिना, तो कोई बात नहीं, गलती हर एक इंसान से होती है। सबसे पहला है कि आप बुराई करो ही मत किसी का भी, जितना हो सके चुप रहो, बिना मतलब कि ना किसी की बुराई, ना किसी का मजाक उड़ाओ। आप ये नहीं कि 10 लोगों के बीच में बैठ गए और उसका मजाक उड़ा रहे हो, तो यह गलत है। इसलिए गलत है भाई कि अगर वो कोई आपके साथ अगर करता है, आपको कैसा फील होता है, तो वैसे ही सोच लो। किसी भी चीज़ को करने से पहले आप अपने ऊपर अप्लाई करो। देखो यार, अगर कोई गलती करता भी है तो उसको आप समझाओ, उसको प्यार से समझाओ। अगर कुछ ऐसी बात है कि जो आप उसको नहीं बता सकते, समझाओ। ऐसा अगर कुछ ऐसा बात है तो मत समझाओ उसको, अकेले में बताओ कि उसको क्या करना है क्या नहीं। 10 लोगों के बीच बताओगे तो वो अजीब सा फील करेगा, अरे यार क्या मेरे को बोल रहा है वो करके। तो मेरा ख्याल है कि आप उसको अकेले में समझाओ कि भाई ये चीज़ गलत है, अब अगली बार से ध्यान देने का, ऐसा प्यार से समझाने का। कोई भी चीज़ हो, इंसान हो या जानवर हो, हर कोई प्यार का भूखा होता है। बस आप प्यार दीजिए, प्यार पाइए, इज्जत दीजिए, इज्जत पाइए। टेक रिस्पेक्ट एंड गिव रिस्पेक्ट, बोलते हैं ना कि इज्जत दो और इज्जत पाओ। दोस्त कभी भी ना किसी का भी लाइफ में मजाक मत उड़ाओ, मजाक उड़ाओ ही मत। अगर वही चीज़ अगर आपके साथ अगर होता है, कोई करता है आपको, आपका कोई मजाक उड़ाता है, तो आपको किस तरह फील होता है? ऐसा करना कभी नहीं, क्योंकि उससे ना आपकी इज्जत कोई नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट है कि आप तारीफ करो, वैसा तारीफ करो कि अच्छा लगे। ये नहीं कि मतलब यदि कोई पतले दुबले इंसान को तो भाई तू तो सलमान खान लग रहा है ऐसा नहीं, मतलब पॉजिटिव। हाँ भाई, आपने वो बात कही उस दिन, अच्छा लगा, आप ऐसे अच्छे दिख रहे हो, मतलब ऐसा कुछ उसको अच्छा लगना चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसा ही कुछ भी। तीसरा पॉइंट है कि अगर आपसे कोई बात करने के लिए आता है या दिलचस्पी, आप भी उसमें दिलचस्पी दिखाओ। दिलचस्पी दिखाना बहुत ज़रूरी है। इससे मुझे एक कहानी याद आ गई। एक बार मतलब ऐसे ही हम लोग दोस्त के बीच बैठे थे, तो वो बातें याद आ गई मुझे। एक व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो वो उसके पास काफ़ी मतलब लाइन लगी होती है, उसको डॉक्टर के पास जाने के लिए भीड़ लगी होती है। वो बंदा भाई क्या करे, वो भी सोच में पड़ गया कि यार जाऊँ तो इतना भीड़ है। फिर उसने सोचा, उसने क्या किया, पेपर निकाला और पेपर पढ़ने लगा। खुदा ना खास्ते उस दिन डॉक्टर दिवस था। फिर वो बंदा शॉप में गया, शॉप में जाने के बाद 5 रुपये का गुलाब लिया और डॉक्टर के पास सडनली पहुंच गया। उसने बोला कि हैप्पी डॉक्टर डे। और डॉक्टर बोले चलो भाई, किसी को तो याद है। वो गया, फिर उसने बातचीत करी, बातचीत डॉक्टर से करने के साथ साथ उसको बंदे को जो बीमारी था, जैसे उसको खांसी था, वो उसके सामने ही खांस दिया। उसने भाई फ्री में इलाज हो गया और फीस भी नहीं लगा और दवा भी फ्री में मिल गया। इसे कहते हैं दिलचस्पी। चौथा पॉइंट है स्माइल। स्माइल बहुत ज़रूरी है भाई, स्माइल के बिना तो कुछ है ही नहीं है। जब भी मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि जब भी आप किसी से भी बातें करो, कुछ भी करो, आपको स्माइल रखना बहुत ज़रूरी है फेस पे। स्माइल रखने से ना आपका हर एक कुछ, आपकी हर का दुश्मन भी होगा ना, वो भी आपकी स्माइल देख के जल जाएगा। बस स्माइल रखो, स्माइल रखना बहुत ज़रूरी है हर किसी से बात करते टाइम। कभी भी किसी से मुशाफा करो या मिलो, हाथ मिलाओ, तो एकदम मुस्कुराना है। चौथा पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट है मुस्कुराना। हर एक वीडियो में मैं बोल रहा हूँ मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, ये बात आपको खास कर ध्यान रखना है। चलो, अगर आपके सामने कोई आता है, चल के सामने से आ रहा है और वो आपको हल्का सा मीठा सा प्यारा सा मुस्कान दे के चला जाता है, आपको कैसा लगता है? आप भी स्माइल करते हो? मानते हैं कि कोई दिखाता नहीं, लेकिन वो भी स्माइल करता है। चलो, आप एक बात बताओ कि कमेंट में बताना, अगर आप सुबह में उठते हो, आपके पास दो ऑप्शन होता है,
अब एक सड़ेला सा चेहरा लेके किसी के पास पहुंचो और एक आप जैसे उठो आप मुस्कुराते हुए एकदम फेस पे एकदम ग्लो माशाल्लाह स्माइल देते हुए किसी के सामने जाओ और सलाम करो, वो देखो दिन आपका बहुत बेहतर जाएगा। इससे क्या है ना कि आपके आपको लोग पसंद भी करेंगे, बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और साइकोलॉजिकल भी यही बात है कि अगर कोई हंसता हुआ फेस और मुस्कुराता हुआ फेस जो होता है ना लोगों को बहुत पसंद आता है। तो आप क्या चाहते हो, किसी को पसंद आना या नहीं? दुनिया में सबसे अलग अगर दिखना है, सबसे हट के दिखना है, तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। पांचवा है गलती। अगर आपसे कोई गलती होती है ना तो आप मान लिया करो, ये नहीं कि मतलब मेरे से गलती नहीं हुई, आपको ऐसा लगे तो मान लो कि हाँ मेरे से गलती हुई है। मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ, मेरी खुद की पर्सनली, मैं स्कूल जाता था बिहार में, धरहरा में स्कूल है, एक जगह का नाम है वो धरहरा। तो वहाँ कुछ ऐसा फंक्शन था, 3 दिन बचे थे फंक्शन के लिए और मैं छुट्टी बीच में एक दिन छुट्टी मार दिया, बीच के दिन ही। मैम मेरे को गुस्सा होती है अगर मैं सॉरी नहीं बोलता तो, मैं खुद से पहले ही जाके अप्लाई कर दिया, मैम मेरे से ना उस दिन ऐसा कुछ काम था, ऐसा कुछ था, बहाना मार दिया। हाँ चलो ठीक है, कोई बड़ी गलती नहीं है, होती है सबसे, गलती इंसान से ही होती है। तो आप खुद की गलती मानो, और अगर आप लगता है कि हाँ गलती हुई है मुझसे, तो खुद की गलती मानना स्वीकार करो। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, और सपोर्ट करो अपने भाई को।